नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बीजेपी लीडर गुरप्रीत अलग का आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर तीखा हमला। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें जेल में हेड मसाज, फुट मसाज और घर का बना खाना जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं बलकि प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने लगाया है। ईडी ने इसको लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही इससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को सौंपा है। ईडी के इस आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र जैन पर हमलावार हो गई है। इसी क्रम में बीजेपी लीडर गुरप्रीत अलग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरोपी सत्येंद्र जैन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी लीडर अलग ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कई आरोपों के सामने आने के बावजूद भी मंत्रिमंडल व पार्टी से बर्खास्त नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। तेल मालिश, जी हाँ, दिल्ली में आजकल तेल मालिश शब्द बहुत ही चलन में है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में एविडेंस के साथ कोर्ट में ये कहा है कि दिल्ली के स्वास्थ्य एवं जेल मंत्री, जो कि इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनको तिहाड़ जेल में मसाज दी जा रही है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में आपको मसाज देनी पड़ रही है? कहीं कोई आपको डर तो नहीं सता रहा कि ऐसा राज जो कि सत्येंद्र जैन के पास है, कि वो आपका कहीं वो राज जनता के सामने ना उगल दे, कि आपका पर्दा ना फाश हो जाए कि जो भ्रष्टाचार मैंने करा है उस भ्रष्टाचार का सरगना अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो खास पार्टी बन गए हैं। आप मसाज सत्येंद्र जैन को जेल में दे रहे हैं, जबकि आप तो आम आदमी पार्टी हैं। इसलिए आपके पोस्टर मसाज अरविंद मसाज पार्लर, केजरीवाल मसाज पार्लर के नाम से जगह जगह लगा दिए गए कि आप आम जनता को भी ये सुविधा दीजिए। और मैं आम जनता से कहना चाहता हूं, चिंतित मत होइए केजरीवाल जी, आने वाले टाइम में दिल्ली के हर एक कोने पर ये मसाज पार्लर खोलने जा रहे हैं, जिसमें बकायदा डिस्काउंट तक मिलेगा। जैसे एक बोतल के साथ एक बोतल शराब की फ्री दी थी, वैसे ही एक कस्टमर के साथ दूसरे कस्टमर को फ्री में मसाज दी जाएगी। केजरीवाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली की तरक्की के लिए चुना था, ना कि तेल देने के लिए। आपने दिल्ली की जनता को तेल दिया है। याद रखिएगा, ये जो तेल का खेल जो जेल में चल रहा है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है। केजरीवाल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।